हेलो एवरीवन, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 10 कर रहे हैं उसमें हम राइज ऑफ रीजनल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले जो दो लेक्चर्स थे हमारे लेक्चर नंबर 8 और 9 उसमें हमने मुगल्स के बारे में देखा था कि मुगल्स जो थे उनका एक तरीके से उत्थान कैसे हुआ और डिक्लाइन उनका पतन कैसे हुआ। यहाँ पर हम रीजनल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम MCQ के थ्रू इस पूरे लेक्चर को कवर करेंगे। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज़ प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577। और ये जो लेक्चर है इसके बाद बेसिकली हमारा जो रिवोल्ट का सारा प्रोसेस है वो अनफोल्ड होना शुरू होगा। बट आप जानते ही हैं कि जैसे स्टार्टिंग में क्या था, मुगल्स जो थे वो एक बहुत बड़ी पावर थे, लेकिन औरंगजेब के बाद जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया उस डिक्लाइन की वजह से बाद के जो रूलर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और उन्हीं इनकेपेबल रूलर्स की वजह से काफ़ी सारी रीजनल पावर्स जो थी वो धीरे धीरे उभर के आने लगी। और कौन कौन सी ये रीजनल पावर्स थी, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहे, वो पूरे हम भी डिस्कस करेंगे। हमारी जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से, इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मूव कर सकते हैं। जो 8 से 10 मार्क्स होते हैं इसे एक्सेलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है, 6 से 7 MCQs को गुड परफॉर्मेंस माना जाता है और ये आपका सेफ जोन होता है। नीचे का जो ब्रैकेट है ये आपका डेंजर जोन होता है और आपको करना क्या है, डेंजर जोन से सेफ जोन में आना है। और अपने जो मार्क्स हैं वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर सक्सेसर स्टेट्स अमर्ज्ड वंस द मुगल्स स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। जब मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हुआ तो कौन कौन से ऐसे सक्सेसर स्टेट्स से जिन्होंने उभरना शुरू किया, कौन कौन से ऐसे सक्सेसर स्टेट्स जो कि बाहर निकल गया है, क्या अवध उसमें से एक था, व्हाट अबाउट बंगाल, हैदराबाद, सोचिए क्या आंसर होगा फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जब मुगल रूल डिक्लाइन की तरफ जा रहा था तो ऑफकोर्स ये लाजमी है कि जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं वो अपने आप को असर्ट करना शुरू करेंगी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है, और वो अपने आप को असर्ट करते हुए अपनी एक आइडेंटिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर लेगी। ऐसा ही हुआ अवध के केस में, बंगाल के केस में और हैदराबाद के केस में। तीनों ने ही अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी थी उसको एस्टेब्लिश किया, बट दे नेवर चैलेंज द सोवरेनिटी ऑफ मुगल रूलर। तो मुगल रूलर्स जो थे उनके काम में इंटरफेयर नहीं किया इन्होंने, उनको कभी चैलेंज नहीं किया, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बना के रखी और मुगल्स की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी थी। एस्टेब्लिशमेंट जो इनकी थी वर्चुअली इंडिपेंडेंट थी और हेरिडेटरी अथॉरिटी जो थी वो गवर्नर्स के द्वारा चलाई जाती थी। तो ये तीनों जो है करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा, बहुत बार इनकरेक्ट भी पूछा होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। द फाउंडर ऑफ द आसफ जहाँ हाउस ऑफ हैदराबाद वाज किलिज खान। जो आसफ जहाँ हाउस हैदराबाद के अंदर था उसके फाउंडर का नाम था किलिज खान, हो सकता है। जुल्फिकार खान वॉज वन हु हैड फर्स्ट कंसीव द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द डेक्कन। जुल्फिकार खान पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि डेक्कन के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बनाना चाहिए, यह आइडिया जो था वो जुल्फिकार खान का था, ये भी हो सकता है। द टाइटल ऑफ आसफ जहाँ वॉज कन्फर्ड ओवर किलिज खान, किलिज खान के ऊपर आसफ जहाँ का जो टाइटल था वो उसको दिया गया। सोचिए क्या आंसर होगा फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आपको याद हो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कुछ इससे मिलती जुलती चीज़ें जो थी वो डिस्कस करी थी। यहाँ पे जो किलिज खान है, अगर मैं आपको बताऊँ कि ही वॉज पॉपुलरली नोन एज निज़ाम उल मुल्क, अब आपको समझ में आएगा कि निज़ाम उल मुल्क ने क्या बनाया था, हैदराबाद जो इंडिपेंडेंट स्टेट था उसको बनाया था और आसफ जहाँ हाउस भी था वो भी इसने बनाया था। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट, जुल्फिकार खान थे उसने इसकी मदद करी थी इस चीज़ के अंदर, उसको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था और पहला आइडिया जो डेक्कन के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का था वो भी जुल्फिकार खान का था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी हो जाती है ठीक। टाइटल ऑफ आसफ जहाँ जो था वो किलिज खान को दिया गया और यहाँ पे आसफ जहाँ हाउस भी उसने अपने नाम पे जो उसको एक टाइटल दिया गया था किलिज खान को, निज़ामुल मुल्क को, वो उसने बनाया। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी हो जाती है ठीक। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाएगी, यहाँ तीनों में चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो 1, 2, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते किलिज खान के बारे में, पॉपुलरली निज़ामुल मुल्क की तरह उनको जाना जाता था, बट किलिज खान और मुगल्स के बीच में, मुगल एम्परर्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट जो था फिजिकल लेवल पे नहीं था, साइकोलॉजिकल लेवल पे था, क्योंकि किलिज खान जो थे उन्होंने मुगल एम्परर ने जिसने एक मुबरेज खान को अपॉइंट किया था वॉइसरॉय ऑफ डेक्कन, वॉइसरॉय ऑफ डेक्कन किसको बनाया था, इसका नाम था मुबरेज खान। मुबरेज खान को जब ये टाइटल दिया गया तो किलिज खान को ये चीज़ पसंद नहीं आई। इवेंचुअली किलिज खान ऐसा चाहते थे कि पूरे डेक्कन पे उसका ही प्रभुत्व हो, उसका ही डोमिनेशन हो, और वॉइस रॉय की यहाँ पे उनको ऐसा लगता था कि जरूरत नहीं है। तो मुबरेज खान जो थे उनको पसंद नहीं थे, उनको नहीं लगता था कि मुबरेज खान को वॉइस रॉय का जो टाइटल है वो मिलना चाहिए और डेक्कन में उनकी कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए। सो ही डिफीटेड एंड किल्ड मुबरेज खान। तो बाद में क्या हुआ, जो वॉइस रॉय मुबरेज खान थे जो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, इनको यहाँ पे हराया गया और मार दिया गया इन द बैटल ऑफ, ये ध्यान रखिएगा नाम भी, शक्कर खेड़ा।
शक्कर केड़ा नाम की बैटल 1724 में हुई थी, और इसके बाद जब किलिच खान ने वॉइसराय को हरा दिया यहाँ पे, वॉइसराय कौन था, मुबरेज का, देन ही हैड और ही अज्यूम द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ डेक्कन। तो डेक्कन का पूरा कंट्रोल जो था वो किलिच खान, जिसको निजामुल मुल्क कहते हैं, आसफ जहाँ का टाइटल भी मिला हुआ है, उनके हाथ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत बार क्या होता है कि एक ही बंदे के एक दूसरा नाम होता है, एक तीसरा टाइटल होता है, इसी वजह से कन्फ्यूजन होती है। अब यहाँ पे किलिच खान भी दे सकते हैं, निजामुल मुल्क भी दे सकते हैं, आसफ जहाँ भी दे सकते हैं, तो ये टाइटल भी डिफरेंट डिफरेंट है, नाम भी डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से कन्फ्यूजन जो है वो हो सकता है, और यूपीएससी आपको कन्फ्यूज कर सकती है, क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो सकता है। तो वेरियस नाम और टाइटल जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, इनमें से कुछ भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अवध, अवध के फाउंडर कौन थे, क्या वो सआदत खान थे, बुरहानुल मुल्क थे, सफदरजंग थे, आसफ जहाँ थे, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, आसफ जहाँ हैदराबाद, निजामुल मुल्क किलिच खान, ये तो आप एसोसिएट कर ही पा रहे होंगे, तो डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे बड़ी ये है कि सआदत खान वाज़ द फाउंडर ऑफ अवध, जिनको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, मैंने जान के दिया ताकि आपको ये याद रह जाए, अदरवाइज मैं बुरहान उल मुल्क नहीं देता, एक्सप्लेनेशन में इसको बता देता तो हो सकता है आप भूल जाते, बट क्योंकि अब आपको पता है कि एक ये ऐसा अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसके ए और बी दोनों ही आंसर है। यूपीएससी यूजुअली दो ऑप्शंस नहीं देती है करेक्ट, लेकिन जो स्टेट एग्जाम्स है, यूपीपीसीएस हो गया, दूसरे एग्जाम्स हो गए, वहाँ पे दो ऑप्शंस भी कई बार करेक्ट हो जाते हैं। नेवर्थलेस मैंने जान के ऑप्शन इसलिए डाला ताकि आपको याद हो जाए, सआदत खान को ही बुरहान उल मुल्क का टाइटल मिला हुआ था, और इसी वजह से ए और बी दोनों ही करेक्ट है जो भी आपने मार्क किया हो। सआदत खान की बात करें जाए, शिया थे सआदत खान, इवेंचुअली इन्होंने सुसाइड कमिट किया था, क्योंकि जो नादिर शाह थे वो इन्वेड करते रहते थे इनके एरिया को, और इनको प्रेशराइज करते थे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बूटी देने के लिए इनको प्रेशराइज किया जाता था, उसी टेंशन में आ गए, इन्होंने इवेंचुअली सुसाइड किया, और सआदत खां के बाद जो गद्दी संभाली वो संभाली सफदरजंग ने। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा आंसर ए एंड बी दोनों ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे चार नाम दिए गए हैं और आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाना है कि सबसे पहले कौन आया था, मुर्शिद कुली खान या अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, सोची क्या आंसर होगा। ये बेसिकली जो बंगाल रीजन है वहाँ पे रूल किया करते थे, यहाँ पे जो वेरियस रूलर्स हैं एक के बाद एक आते गए, कौन किसके बाद आया उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेवर्थलेस आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली चारों पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको क्रोनोलॉजी बतानी है इसकी कि क्रोनोलॉजिकली पहले कौन आया और फिर बाद में कौन आया। चलिए तो सबसे पहले जो नाम है वो है मुर्शिद कुली खान का, चारों ऑप्शन में भी दिया गया है, तो ये तो हो गए फर्स्ट, ठीक है। देन उसके बाद आए शुजाउद्दीन, देन उसके बाद शुजाउद्दीन के बाद कौन आए, सोचिए, शुजाउद्दीन के बाद आए सरफराज खान, एंड देन फाइनली अलीवर्दी खान। इसमें किसने किसको मारा, कौन किससे रिलेट करता था, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल क्रोनोलॉजी जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले मुर्शिद कुली खान है, फिर शुजाउद्दीन है, देन सरफराज खान है, देन अलीवर्दी खान है। तो MSSA करके याद कर सकते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है मैसूर के बारे में, पूछा गया कि मैसूर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मैसूर। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वॉज लोकेटेड ऑन द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है जहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर ये मैसूर जो था वो लोकेट करता था, हो सकता है। इट वॉज रूल्ड बाय वोदियार्स, वोदियार्स किंगडम के जो रूलर्स थे वो इसको रूल करते थे। इट वॉज द एरिया ऑफ कॉन्स्टेंट बैटल फील्ड, यहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए पहली जो बात करी जाए, क्या ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पे लोकेट करता था, तो ये मैसूर रीजन के बारे में ये जो बात करी गई ये बिल्कुल ठीक है। वोदियास जो थे ज़्यादा केपेबल रूलर नहीं थे, ये जो थे यहाँ पे इनिशियली रूल करते थे, बाद में जो पूरा शासन था, जो पूरा का पूरी किंगडम थी वो हैदर अली के हाथ में आ गई थी, जो काफ़ी सक्सेसफुली इसको लीड करेगा, और बाद में इनके बेटे टीपू सुल्तान जो थे वो भी अपने फादर के नक्शे कदम पे चलेंगे, और मैसूर का जो बेसिक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, मिलिट्री डेवलपमेंट हो, वो इन दोनों के टाइम पर ही हुआ, हैदर अली के टाइम पर, टीपू सुल्तान के टाइम पे। यस, अगर बात करी जाए क्या है कॉन्स्टेंट बैटलफील्ड होता रहता था, यस इट वॉज इन्वॉल्व इन कॉन्स्टेंट वॉरफेयर ब्रिटिश के बीच में, हैदर अली के बीच में, देन ब्रिटिश के बीच में, टीपू सुल्तान के बीच में, यहाँ पे हमेशा ही लड़ाई झगड़ा जो था वो चलता रहता था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया रीजनल पावर्स ऑफ केरला के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजनल पावर जो केरला
कला थी जो उभर के आई थी उस वक्त। पहली कहती इट वॉज एस्टेब्लिश बाय मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने इसे एस्टैब्लिश किया था। हो सकता है ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोची। तो इस टाइम जो केरला था उसकी जो बाउंड्रीज थी कन्याकुमारी से कोचीन तक एक्सपेंड हो चुकी थी। ये भी हो सकता है ही मेड एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज हिज आर्मी ऑन द मुगल स्टाइल। मुगल स्टाइल से वो काफ़ी प्रभावित थे। कौन? जो यहाँ के रूलर थे वो मार्तंड वर्मा भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। एंड ही एक्चुअली ऑर्गेनाइज हिज आर्मी किस वे? मुगल स्टाइल पर। हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, केरला को एस्टैब्लिश करने वाले मार्तंड वर्मा ही हैं, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। इनमें जो कैपिटल थी वो थी ट्रावणकोर। ट्रावणकोर जो थी वो केरला की कैपिटल थी। इंडिपेंडेंट स्टेट उभर के आ रहा था। आर्मी जो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी ऑर्गेनाइज करना, और यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मुगल स्टाइल पर नहीं। मुगल स्टाइल तो बहुत पुराना हो चुका था, अब यहाँ पे किया जा रहा था ब्रिटिश स्टाइल पे, और मोर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो वेस्टर्न मॉडल के ऊपर, वेस्टर्न मॉडल पे आर्मी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। क्या यहाँ पे कन्याकुमारी टू कोचीन एक्सपेंड हो चुका था? यस, बाउंड्रीज जो थी कन्याकुमारी से कोचीन तक एक्सटेंड हो चुकी थी। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। जाट पावर के ऊपर है, मैंने आपको बताया रीजनल पावर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हैदराबाद डिस्कस किया, अवध डिस्कस किया, केरला जो था ट्रावणकोर वो डिस्कस किया, जाट पावर को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि अंडर हूज रीन, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, या इन तीनों में से कौन से ऐसे लीडर थे जिसके अंडर में जाट पावर जो थी अपनी सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंची थी? क्या चूरामन है उनका नाम, ऐसे लीडर का नाम बदन सिंह है, सूरजमल है, या नन ऑफ द अबव, या कोई और ही लीडर थे जिसके टाइम पर जाट पावर जो थी वो अपने कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंची थी? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आंसर तो है इसका सूरजमल। इवन तो चूरामन और बदन सिंह ये भी काफ़ी कॉम्पिटेंट रूलर्स थे जाट पावर को काफ़ी आगे ले जाने के लिए, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए कि जाट पावर जो थी अपनी जो कह सकते हैं एक कि उन्होंने बेस्ट जो था वो कब अचीव किया, वो किया सूरजमल के टाइम पर। जाट जो थे यहाँ पे औरंगजेब की जो नीतियाँ होती थी उनसे ज़्यादा तवज्जो उसको नहीं देते थे, ओपरेसिव पॉलिसीज थी उसको पसंद भी नहीं करते थे। बेसिकली इनकी जो एम्पायर थी वो गंगा से लेकर ईस्टर्न चंबल तक फैली हुई थी। तो एक सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं लोकेशन को इन्होंने कवरेज करके रखा हुआ था। और अगर बात करें जो सूरजमल के बाद की, तो यहाँ पे सूरजमल के बाद जो एक डिक्लाइन था वो शुरू हो गया था। जैसे औरंगजेब के बाद जो मुगल्स का डिक्लाइन था वो शुरू हो गया था, इस तरीके से सूरजमल के बाद जो जाट पावर थी उसका डिक्लाइन भी शुरू हो गया था। एंड दिस वॉज द टाइम 1763 के आसपास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 6 के बारे में बात कर रहे हैं, अनदर रीजनल पावर जो उभर के आ रही थी उस वक्त। हु ट्रांसफॉर्म 6 इंटू मिलिटेंट सेक्ट। देखिए सिख जो थी वह एक रिलीजन के तौर पे भी जाना जाता है सिखिज्म, लेकिन मिलिटेंट सेक्ट में किसने इसको कन्वर्ट किया? तो जो सिख हैं इनको मिलिटेंट सेक्ट में किसने ट्रांसफॉर्म किया? क्या वो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर जी थे, बंदा बहादुर, या गुरु अर्जुन सिंह? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो आंसर है गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने सिक्स को एक मिलिटेंट सेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसी से रिलेटेड कुछ और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाउ मेनी कॉन्फेडरेसीज सिक्स वर ऑर्गेनाइज इनटू। देखिए सिक्स जो थे वो वेरियस मिसल्स के अंदर या कॉन्फेडरेसीज के अंदर ऑर्गेनाइज थे। तो आपको ये बताना है कि कितनी मिसल्स थी, क्या 10 मिसल्स या कॉन्फेडरेसीज में डिवाइड किया था, 12 में किया था, 14 में किया था, 16 में किया था? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया था ये 12 मिसल या 12 कॉन्फेडरेसीज के अंदर किया गया था। इससे क्या था, ये पूरा का पूरा कंट्रोल करते थे अपने वेरियस कॉन्फेडरेसीज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम में। तो मान लीजिए ये पूरी किंगडम है, इसमें ये ऐसे 12 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है और इनके 12 अलग अलग नाम है और वेरियस मिसल को अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। अगेन सिख जो एक रीजनल पावर थी उनके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया। पहली स्टेटमेंट कहती है द क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ पंजाब गोज टू रंजीत सिंह। तो जो पंजाब था या सिखिज्म जो था एक इंपॉर्टेंट किंगडम बन पाई उसके पीछे जो श्रेय दिया जा रहा है वो रंजीत सिंह जी को दिया जा रहा है। रंजीत सिंह वॉज द सन ऑफ महान सिंह। रंजीत सिंह जो थे वो महान सिंह जी के बेटे थे। ठीक है, हो सकता है महान सिंह वॉज द लीडर ऑफ आलूवालिया मिसल। मैंने आपको बताया था 12 मिसल हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो जो महान सिंह थे वो आलूवालिया मिसल को बिलोंग करते थे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए आलूवालिया मिसल एक मिसल है डेफिनेटली, बट महान सिंह उसको बिलोंग नहीं करते थे। ही वॉज द लीडर ऑफ सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल को बिलोंग करते थे एंड ही वॉज द फादर ऑफ रंजीत सिंह। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक होती है और रंजीत सिंह को ही क्रेडिट दिया जाता है
जिनके टाइम पर जो पंजाब था वो एक इम्पॉर्टेंट किंगडम और एक स्ट्रॉन्ग किंगडम के तौर पर बाहर आ पाया, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी जो थी वो ब्रिटिश या वेस्टर्न मॉडल पर बना रखी थी और उस टाइम पर सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के तौर पर उनको जाना जाता था। पहली प्रॉबेबली ब्रिटिश थी, सेकंड जो थी मोस्ट पावरफुल रणजीत सिंह जी की आर्मी थी, और इसी वजह से जो सिख थे वो एक सिग्निफिकेंट जो कह सकते हैं पोजिशन के तौर पर जाने जाते हैं अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और रिवीजन बिल्कुल मिस मत करिएगा, विद इन 2 मिनट्स में हम इसे रिवाइज कर लेंगे। चलिए देखिए, हम रीजनल पावर्स पढ़ रहे हैं तो हमने देखा था कि कौन कौन सी रीजनल पावर्स निकल के आई थी जब मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो अवध, बंगाल, हैदराबाद जो थे ये तो निकल के आए थे, उसके अलावा सिख का हमने देखा, मराठा देखा, ये सब पावर्स जो थी वो उभर के आ रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाउंडर ऑफ आसफ जहां हाउस कौन थे, वो किलिज खान थे, उन्हीं को ही आसफ जहां भी कहा जाता था और निजामुल मुल्क भी कहा जाता था। जुल्फिकार खान ने पहले कहा था कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए डेक्कन के अंदर, जो पूरा आइडिया जो था वो जुल्फिकार खान का था, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। फिर हमने फाउंडर ऑफ अवध के बारे में बात करी थी, सादत खान, जिनको बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता था, शिया थे, बाद में सुसाइड किया था क्योंकि नादिर शाह जो बूटीज को डिमांड करते थे उससे काफ़ी वो परेशान रहते थे। देन हमने देखा था वेरियस जो लीडर्स आए थे बंगाल के अंदर, सबसे पहले मुर्शीद कुली खान थे, फिर आपके शुजाउद्दीन, देन सरफराज खान, एंड फाइनली अली वर्दी खान थे। मैसूर के बारे में डिस्कशन किया था, वोदियाज रूलर्स वहाँ पे रूल कर रहे थे, बाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान आए थे और अंग्रेज़ों से लड़ाई हमेशा चलती रहती थी। इट वॉज एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ध्यान रखिएगा इसको भी। देन रीजनल पावर्स ऑफ केरला के बारे में देखा था, मार्तंड वर्मा ने एस्टैब्लिश करी थी और कन्याकुमारी से कोचीन तक फैला हुआ था ये, ट्रावणकोर उनकी कैपिटल थी और ऑर्गेनाइज करी उन्होंने अपनी आर्मी वेस्टर्न मॉडल के ऊपर। फिर हमने जाट पावर के बारे में देखा था, चूरामन मदन सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे, लेकिन सूरजमल के टाइम पर जो उनकी पावर थी सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंची, वंस सूरजमल वॉज गॉन उनका डिक्लाइन जो था वो शुरू हो गया, जस्ट लाइक मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हुआ औरंगजेब के बाद। फिर हमने देखा था सिक्स के बारे में, सिक्स में हमने गुरु गोविंद सिंह को देखा था जो मिलिटेंट सेक्ट में सिख को ट्रांसफॉर्म किया था और पूरा श्रेय उनको जाता है इस चीज़ के लिए। देन हमने कॉन्फेडरेसीज के बारे में पढ़ा था, 12 कॉन्फेडरेसीज जो थी वो थी, इसमें आलूवालिया भी एक थी, शुक्र चकिया भी एक थी, महान सिंह जो थे वो शुक्र चकिया को बिलोंग करते थे, रणजीत सिंह के फादर थे और रणजीत सिंह जो थे उनके टाइम पर पंजाब सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि उनकी जो आर्मी थी सेकंड मोस्ट पावरफुल आर्मी थी अपने टाइम की। हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम जहाँ पे छोड़ा उसे आगे इसको टेक ऑन करेंगे और अपने मार्क्स जो हम कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा कितना आपने स्कोर किया अपर टू ब्रैकेट्स में, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका सेफ जोन है। नीचे के ब्रैकेट्स में डेंजर जोन है, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, पहले पढ़ के आ सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपके मार्क्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाए। इसके अलावा यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।